ఎంఆర్ ఛానల్ 4 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని 5వ సంవత్సరంలో అడుగు పెడుతున్నందుకు వాళ్ళకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. నాణ్యమైన న్యూస్ ప్రత్యేకంగా కంటోన్మెంట్ ప్రాంత వాసులకు ఎప్పటికప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అభివృద్ధి విషయంలో నాయకులు ఏ నాయకులు ఏ పని చేస్తున్నారు అనే ప్రతి ఒక్క సమాచారాన్ని ప్రజలకు చేరవేసే ఛానల్గా ఇది అతి అంటే కొద్ది కాలంలోనే ఎక్కువ ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది. కాబట్టి ఇక ముందు కూడా వీళ్ళకు నా ఒక సూచన ఏంటంటే ఇదే విధంగా కంటిన్యూ చేస్తూ ఒక క్వాలిటీ న్యూస్ ఇస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి కంటోన్మెంట్ ప్రజలకు ఇంకా చేరువ కావాలని కోరుకుంటున్నాను. कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए श्री गणेश ने आज कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके वार्ड नंबर 1 चिन्नतोकट्टा संजीविया नगर के इलाके का दौरा करते हुए श्री देवी नल्ला पोचम्मा मंदिर में पूजा की और वहां के मुकामियों से मुलाकात करते हुए उनकी तमाम परेशानियों को सुना. वहां के मुकामियों ने बताया कि उन्हें रोड ड्रेनेज और पानी की बहुत परेशानी है. పర్మనెంట్ ఉండాలి. ఇప్పుడు వాళ్ళు వేసిపోయినా నా పని అయిపోయింది అనేసి ఆలోచన వద్దు మనకి. మళ్ళీ ఇబ్బంది కావద్దు. సరే ఇప్పుడైతే చెప్పి చేపించాయ్ మాట చెప్తున్నా నీకు, నేను ఈ దీని మీద అధ్యయనం చేసినా. నువ్వు ఆయన నీళ్ళు ఇస్తున్నాడు, అందరు ఒక టైం కడుగుతారు, ఎట్లా ఇరగలుగుతారు చెప్పు. एमएलए श्री गणेश ने वहां के मुकामियों के साथ मिलकर संजीविया नगर के कम्युनिटी हॉल का मुआयना किया और वहां के मुकामियों को भरोसा दिलाया कि इस कम्युनिटी हॉल में टॉयलेट, किचन और पानी के कनेक्शन की जरूरत है और वो इसे जल्द ही करा कर देंगे. वहां के मुकामियों ने एमएलए श्री गणेश का शुक्रिया अदा किया. इस दौरे में एमएलए श्री गणेश के साथ एक्स वाइस प्रेसिडेंट जंपना प्रताप, मोपीडी मधुकर, बलवंत रेड्डी, बनला श्रीनिवास रेड्डी, आनंद बाबू, हरि कृष्णा, मारुति गौड, वर्धा रानी, अरुण यादव, वंदना, अशोक यादगिरी, राम राव, मुकेश यादव, जार्जुल अक्रांति और वरा प्रसाद भी साथ मौजूद थे. कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलाके वार्ड नंबर 8 बोलाराम में तेलंगाना टोटी और मेहतर कम्युनिटी संगम की जानिब से आज एक मीटिंग रखी गई जिसमें एमएलए श्री गणेश ने हिस्सा लिया और बताया कि इन लोगों से मिलना और इनकी खिदमत करने का मौका मिलना बहुत खुशी की बात है और तमाम को भरोसा दिलाया कि वो हमेशा इनकी खिदमत में रहेंगे. जिसके बाद कम्युनिटी के मेंबर्स ने एक कम्युनिटी हॉल की रिक्वेस्ट की और एमएलए श्री गणेश ने कमेटी के मेंबर्स को बताया कि कंटोनमेंट बोर्ड के अस्पताल में सभी किस्म की सहूलतों के तालुक से इन्होंने हुकूमत से रिक्वेस्ट की है जो जल्द ही मुकम्मल होगी. इस प्रोग्राम में संगम के प्रेसिडेंट अमर राज, जनरल सेक्रेटरी रवि प्रसाद, वेणुगोपाल रेड्डी, जयप्रकाश, खदीरवन, नरसिम्हा, बालराज गौड़, श्रीनिवास और कमेटी के मेंबर्स भी मौजूद थे. कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके वार्ड नंबर 3 मटफोर्ट अंबेडकर नगर की नल्ला पोचम्मा मंदिर के कैशियर सुनील और मधु को अपॉइंट करने के मौके पर बीआरएस पार्टी के राकेश ने कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लिया और अपॉइंट हुए कैशियर सुनील और मधु को मुबारकबाद देते हुए आने वाले अगस्त के महीने में होने वाली बोनालू फेस्टिवल को बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करने को कहा. इनके साथ इस प्रोग्राम में वहाँ के मुकामी भी साथ मौजूद थे. इसी के साथ आज की न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल होती है. ट्विन सिटीज़ की और खबरों और जानकारियों के लिए एमआर न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए.